बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा से। हरियाणा में ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई की खबर है। पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह के ठिकाने पर छापेमारी। ईडी की कार्रवाई में अवैध हथियार बरामद की होने की खबर मिल रही है। 5 करोड़ कैश और सोना भी जब्त हुआ है। कई अवैध प्रॉपर्टीज की जानकारी भी है। यानी हरियाणा में इस वक्त ईडी की कई टीमें कई जगह छापेमारी कर रही है और काफी कुछ मिला है टीमों को। क्या मिला है आपको बताते चले। ईडी की टीम की कार्रवाई, पूर्व एमएलए दिग्बाग सिंह के ठिकानों पर ये छापा और अवैध हथियार, 5 करोड़ कैश और गोल्ड यानी सोना मिला है। कई तरीके की अवैध संपत्तियों की जानकारी भी ईडी की टीम को हाथ लगी है। मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज, किस तरीके की जानकारी आ रही है इस छापेमारी से जुड़ी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवैध खनन के मामले में कल ईडी ने छापेमारी की जो कार्रवाई थी वो शुरू की थी और 20 जगहों पर ये छापेमारी हरियाणा में शुरू की गई थी। यमुनानगर में, सोनीपत में, मोहाली में, फरीदाबाद में, चंडीगढ़ में और करनाल में छापेमारी की गई थी। और जो इनेलो के पूर्व एमएलए हैं दिबांग सिंह, उनके घर पे भी छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान जो तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं, जो हमें ईडी की तरफ से मिली है, उसके अंदर काफी जो कैश है वो बरामद हुआ है। 5 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है काफी हथियार बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और ईडी यही जानना चाहती है कि इतना जो कैश है वो इनके पास कहां से आया। इसके अलावा शराब की काफी बॉटल्स भी वहां पर मिली है। तो लगातार जो पूछताछ है वो इस पूरे मामले में बाकी लोगों से भी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कैश तो कैश, ये इतने सारे हथियारों का जखीरा इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4 काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हथियार मिले हैं। इसके अलावा कैश है, गोल्ड है, लेकिन हथियारों का कलेक्शन देखिए आप, यहाँ एक तरफ कैश, एक तरफ ये कई तरीके के हथियार आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बुलेट्स हैं, वो गन्स हैं और कई वैरायटी की गन्स दिखाई दे रही है, बुलेट्स दिखाई दे रही है। ये सब कुछ बरामद हुआ है कई लोकेशन पर ईडी की छापेमारी हरियाणा। ABP News आपको रखे आगे।